विश्वविद्यालयों से प्राप्त सुझावों में ऑनलाइन मोड के संबंध में अनुशंसा के आधार पर वर्ष 2021-2022 की शेष परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित कराने का निर्देश दिया जाता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्र ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के छात्र भी जो हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं। और आपने जैसा कि वीडियो में देखा कि यह जो वीडियो है पुणे यूनिवर्सिटी का आ रहा है, इसमें जो है कितने सारे विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो और बोल रहे हैं जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। इसी के साथ एक नोटिस भी देखने को मिला है, मैं आपको वीडियो में बताना चाहता हूँ। जो दोस्तों इसमें बातें लिखी हुई हैं, जो इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई हैं, वो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे पढ़िएगा और बाद में आप विचार करिएगा कि क्यों बच्चे जो हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं, इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अपना जो है ज्ञान बताते हैं कि ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होने चाहिए। तो वीडियो में आपको बताते हैं क्यों COVID-19 संक्रमण की द्वितीय एवं तृतीय लहर के परिणाम स्वरूप राज्य में शिक्षा सत्र 2021-2022 का अध्यापन कार्य विलंब से प्रारंभ हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम विलंब से पूर्ण होकर परीक्षाएं भी विलंब से आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन सामान्यतः 50 से 60 दिनों में पूर्ण होता है। इतनी लंबी अवधि तक कोविड अप्रोप्रिएट व्यवस्था करना परीक्षा केंद्रों के लिए बड़ी चुनौती है एवं इस दिशा में छोटी सी चूक से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसे देखते हुए परीक्षा के आयोजन के संबंध में विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त सुझावों में ऑनलाइन ब्लैकडेंड मोड के संबंधित में की गई अनुशंसा के आधार पर वर्ष 2021-2022 की शेष परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित करने के निर्देश दिया जाता है। उपरोक्त अनुसार कार्यवाही के पूर्व कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। तो दोस्तों, यह जो नोटिस है रायपुर का है, छत्तीसगढ़ रायपुर का, अटल नगर का। यहाँ पे जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन लागू कर दिया है, यानी कि इनके जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन होंगे। तो दोस्तों, आप उपरोक्त पॉइंट में पढ़ सकते हैं, जो ऊपर दिए आपको पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे मैंने बताया है कि आपका जो है सेशन बहुत ही लेट स्टार्ट हुआ था और बहुत जल्दी एग्जामिनेशन हो रहा है। जैसे कि जो है फोर्थ सेमेस्टर का कहें तो, और कहें तो दोस्तों जो एट्थ सेमेस्टर वाले और सिक्स सेमेस्टर वाले विद्यार्थी हैं, यह भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि इनका जो सेशन है फरवरी में स्टार्ट हुआ था और मई में इनके एग्जामिनेशन हो रहे हैं। तो बचे कितने, ओनली 4 से 5 महीने भी नहीं बचे टोटल पूरे, और उन्हीं के बीच में मिड सेम, एक्सटर्नल, इंटरनल। तो मिनिमम आपको 6 महीने का जो है टाइम तो देना चाहिए, जिससे अच्छी पढ़ाई हो सके, जितने यूनिट हैं वो ऑल यूनिट बच्चा पढ़ सके। दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि आपके जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन ही होने चाहिए प्रेजेंट कंडीशन में। और अगर आगे के जो एग्जामिनेशन है तो वो आगे से देखा जाएगा, क्योंकि जो है इस बार से जो सेशन चालू होगा वो जो है ओनली 6 मंथ का ही होगा, 6 मंथ से कम नहीं हो सकता, क्योंकि जो है कोविड जो है नॉर्मली हो गया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आप वीडियो से सेटिस्फाइड हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thanks for watching.